हेलो गाइस, यू आर वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम बाद आज यूट्यूब पर एक वीडियो बना रही हूँ। सो इसके पीछे कुछ रीज़न थे। अभी मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एंग्लो सैक्सन राइटर है जो हमारे बेट, इनके बायोग्राफी के बारे में एंड इनके कुछ वर्क्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एंग्लो सैक्सन राइटर जो है बेट, इनकी जो बायोग्राफी है, इनका टाइम पीरियड क्या था। इनका टाइम पीरियड रहा है 1673 से लेकर 735 तक। सो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1673 से 735 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ए बेसिकली ये कौन थे? ये इंग्लिश मॉन्क थे। इंग्लिश मॉन्क, मॉन्क कौन होते हैं? जिनको हम पादरी बोलते हैं जी, हमारे एक इंग्लिश मॉन्क थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बेथ थे वो क्या थे, वो एक इंग्लिश मॉन्क थे। इसके आगे क्या है, इनको हम एक ग्रेट स्कॉलर के नाम से भी जानते हैं कि हमारे फर्स्ट जो बेद हैं, हमारे फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर हैं, फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले इंग्लिश मॉन्क थे, सेकंड फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर थे हमारे। इनको हम फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ए क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कौन है, तो उनका आंसर आएगा बेट। सो आप इसको अपने माइंड में रखना कि जो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग है वो कौन है, बेट। तो इनके मोस्टली जो राइटिंग्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है, उसकी लैंग्वेज है लैटिन। जो बेट है, सबसे पहले हमने क्या देखा, एंग्लो सैक्सन राइटर है। इनका टाइम पीरियड है 673 से लेकर 735 तक। इंग्लिश मॉक है, फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर हैं, इनकी लैंग्वेज कौन सी है लैटिन, एंड इनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग के नाम से जानते हैं। सो इसके आगे हम देखते हैं कि इनके वर्क कौन कौन से हैं। इनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, अब हम उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट बेद के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम वर्क करेंगे जो इनका लास्ट वर्क कौन से है, उसका नेम क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन। ये इनका लास्ट वर्क है, एंड ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है इंटो कहाँ पे, एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे। बेसिकली हम जानते हैं कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड थे, पीरियड में से राइटर हैं, तो वो वर्क भी इनका उसी टाइम में गिना जाएगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे ये वर्क इनका लिखा था, लास्ट वर्क है इनका। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क और है जिसका नेम क्या है, द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ग्रीन पेन से मैं यहां पर लिख रही हूं, द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल।
दैट क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका मेजर वर्क है, जो आपको इन नेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप इसको अपने माइंड में रखना कि कौन सा वर्क है जो बेड का नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, उसका नेम है द क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये वर्क किसका है? बेड का। आप इसको अपने माइंड में रखिए। जो इनका वर्क था द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री, इसके बारे में आपको मैं एक और बात बताती हूँ। इसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री माना गया। जो वेद हैं अपने वर्क द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल की वजह से इनको टाइटल मिला द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। कौन से वर्क के लिए मिला ये टाइटल? द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्क पर जो एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंग्लिश पीपल है, इसके बारे ऊपर मैं एक डिस्कशन वीडियो बनाऊं कि इसके बारे में इसमें क्या है, तो आप अपने जो व्यूज हैं वो मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में, उस पर मैं एक अपनी वीडियो लेकर आऊँगी। जो हमारे राइटर हैं वेद, इनको मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? इनको हिस्टोरिकल वर्क्स के लिए जाना जाता है, कि इनको हिस्टोरिकल वर्क्स के लिए रीड किया जाता है। इनका जो वर्क है द क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें इन्होंने हिस्ट्री बताई है एंग्लो सैक्सन पीरियड की, वहाँ पे कौन कौन से रिलीजन थे, कैसे वहाँ पर उस समय का रहन सहन था, उसके बारे में यहाँ में बताया गया है। इसके डिटेल डिस्कशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो, आज का यही था हमारा टॉपिक बेड। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।